वेलकम टू आर्ट्स एंड पेपर, दिस इज तंजीलो रहमान और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे शॉर्टकट्स जिनकी मदद से आप अपने काम में 50% स्पीड अप कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं इलस्ट्रेटर से तो ये आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी फोटोशॉप इलस्ट्रेटर वगैरह यूज़ करते हैं तो ये इतनी इंपॉर्टेंट क्लास इसलिए नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी वो टूल्स पता होंगे। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। तो सबसे पहले आप अपना इलस्ट्रेटर खोल लें। इलस्ट्रेटर खोलने का तो कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन इलस्ट्रेटर खोलने के बाद जो शॉर्टकट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा इस क्लास में। तो सबसे पहले आप कंट्रोल एन प्रेस करें। कंट्रोल एन से क्या होता है कि आपकी एक न्यू फाइल का एक पॉपअप खुल जाता है जिसमें आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट किस साइज़ पर सेलेक्ट करना है। ये मैं आपको दोबारा शॉर्टकट बता देता हूँ। पहले हमने आपको बताया था कि यहाँ से आके आप फाइल में जाके न्यू डॉक्यूमेंट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसका शॉर्टकट ये है कि आप कंट्रोल और एन प्रेस करें तो वही स्क्रीन आपके पास सामने आ जाएगी। तो आप यहाँ से आके वेब पे जाएं और यहाँ पे कोई समझे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लें तो ये वाली स्क्रीन आपके सामने आ गई। इसके बाद अगर आप कहीं पे मूव करते हैं, आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे समझ लें आप आ गए, अगर आपको अपना स्क्रीन नहीं दिख रही आप कंट्रोल और ज़ीरो प्रेस करेंगे तो आप बिल्कुल सेंट्रलाइज कर देंगे अपने आर्टबोर्ड को। दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, ये आप कहीं पे मूव किया हो अगर आपने गलती से और अगर आपको अपनी स्क्रीन नहीं दिख रही आपको ढूंढना पड़े, आप सिंपल कंट्रोल और ज़ीरो प्रेस करें, आपकी स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा आप माउस से ये ड्रैग करके अपना जो है वो जूम और जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं इसका भी आपको शॉर्टकट से करना है तो कंट्रोल माइनस और कंट्रोल प्लस से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, फिर वही कंट्रोल ज़ीरो करेंगे तो आपकी स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद अगर आपको अपना रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कभी कभी हम लोग इलस्ट्रेशन कर रहे होते हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो डिटेल कर रहे हैं तो हम जाके बार बार यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करते, ये अनप्रोफेशनल है। तो अगर आपको ये वाला टूल सेलेक्ट करना है तो आप डायरेक्टली जो है एम प्रेस करें तो ये टूल आपके सामने आ जाएगा। दोबारा बता देता हूँ, अगर आप समझें ये वाले टूल पर हैं तो अगर आप एम प्रेस करेंगे तो ये वाले टूल पर आ जाएंगे आप डायरेक्टली। तो इसका शॉर्टकट है रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाने का एम। इसके बाद अगर आपको किसी और टूल पे समझे आप एम दबा के आप इस टूल पे आ गए, अब आपको वापसी इसको सेलेक्ट करना है। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो एक और बॉक्स बन जाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी एम टूल पे हैं या रेक्टेंगल टूल पे हैं। तो आप इसको वी प्रेस करें तो आप वी प्रेस करके सिलेक्शन टूल पे आ गए। ये शॉर्टकट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर आप किसी एम प्रेस करके स्क्वायर वगैरह बना रहे हैं और आपको मूव करना है तो आप वी प्रेस करें तो आप मूव टूल पर आ जाएंगे वापसी। अब यहाँ से इसको डिलीट कर दें। मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आप एम प्रेस करें और आपने स्क्वायर बना लिया, अगर आपको इसको मूव करना है तो आप वी प्रेस करेंगे तो आप सिलेक्शन टूल पर आ जाएंगे। इसके बाद अगर आपको इसके एंकर पॉइंट्स मूव करना है जो आप यहाँ से जाके करते थे तो इसका शॉर्टकट है ए। अगर आप ए प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आके आप इसको आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं। दोबारा बताता हूँ, वी से ये मूव होगा, ए से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लेगा। अच्छा, इसके बाद जो है अगर आप इसको कॉपी करना है तो आप इसको जैसे हम ऑल्ट दबा के ड्रैग करते थे शिफ्ट की मदद से तो ये कॉपी हो जाता था, तो अब हमें इसका शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल सी। अगर आपने इसके अलावा कोई विंडोज़ वगैरह यूज़ करते हैं, कोई फोल्डर वगैरह कॉपी करते हैं तो उसका भी यही शॉर्टकट होता है, ज़्यादातर ये स्टैंडर्ड शॉर्टकट है विंडोज़ वगैरह का। तो कंट्रोल और कॉपी करें तो ये कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल वी प्रेस करें तो ये इसको पेस्ट कर देगा। कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट। अगर आप चाह रहे हैं कि ये उसी जगह पे पेस्ट हो जहाँ पे ये बॉक्स आपने सेलेक्ट किया, कभी कभी आपको उसी पोजीशन पे सेव करना होता है तो आप क्या करते हैं कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और कंट्रोल एफ़ प्रेस करेंगे तो उसी पे ऊपर पेस्ट हो जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा इसके ऊपर पेस्ट हो गया, हम इसको आगे करेंगे तो ये एक और कॉपी निकल चुकी थी इसकी। दोबारा बता देता हूँ मैं इसको, अब ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, आपने कंट्रोल सी कॉपी किया और कंट्रोल एफ़ प्रेस किया तो ये इसी के ऊपर एक कॉपी आ गई। अगर मैं इसको आगे से मूव करता हूँ तो ये इसकी एक और कॉपी निकल चुकी थी। अब आप इसको डिलीट कर दें। इसके अलावा एम से आप दबाएंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। अगर आपको स्क्वायर नहीं चाहिए, अगर आपको सर्कल चाहिए तो आप इसका सिंपल एल प्रेस करेंगे तो एल से ये सर्कल बना देगा। आपको यहाँ पर आके एरो पर सेलेक्ट करके सर्कल पर आने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने डायरेक्ट क्या करा, इसको सबसे डिलीट कर दें, आप सबको वी सेलेक्ट करें, इन सबको सेलेक्ट करें और यहाँ पे आके आप एल प्रेस करें तो ये एक सर्कल बन जाएगा।
शिफ्ट दबा के प्रेस करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, शिफ्ट के बगैर करेंगे तो इसको कोई सभी शेप या ओवल वगैरह बन सकता है। तो ये था एल प्रेस करेंगे तो सर्कल, एम प्रेस करेंगे तो स्क्वायर, वी प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन टूल, ए सेलेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और अगर कंट्रोल एन करेंगे तो एक न्यू डॉक्यूमेंट। समझे, आपने न्यू डॉक्यूमेंट जनरेट कर दिया है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बना चुके हैं आप। समझे, बहुत सारा आप काम कर रहे हैं और बहुत सारे ऊपर टैब्स खुल चुके हैं। अगर आपको क्लोज करना है तो आप यहाँ से जाकर क्लोज कर सकते हैं, लेकिन अगर इसकी शॉर्टकट की तो आपको पता होनी चाहिए कि आपको जल्दी जल्दी सारे डॉक्यूमेंट अपने क्लोज कर दें। समझे, आपने ये बहुत सारी कॉपीज निकालनी है और बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स पर आप काम कर रहे हैं। आपने कंट्रोल और डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो ये टैब क्लोज होते चले जाएंगे। कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल, आपको यहाँ पर आके क्रॉस पर आके क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप कंट्रोल डब्ल्यू क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल एल से न्यू फाइल और कंट्रोल डब्ल्यू से फाइल क्लोज। अगर आप कभी ऐसी जगह पे हैं कि आपने बहुत सारी इलस्ट्रेशन कर चुके हैं, अगर आप कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो वो आपको पूछेगा अगर आपको सेव करना है कि नहीं करना। समझे, मैं आपको कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे बना दिया है और मेरे से गलती से कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस हो गया, तो ये आपको वार्निंग दे रहा है कि आपको सेव करना है, तो आप या तो यस कर दें या तो नो कर दें या कैंसिल कर दें। कैंसिल कर देंगे तो ये इसी स्क्रीन पर वापसी आ जाएगा। अगर आप यस करेंगे तो ये सेव कर देगा, नो करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा बगैर सेव किए। इसके बाद इसका जो है वो इन्वर्ट का ऑप्शन है। इसका शॉर्टकट की ये है कि समझे, अभी आपका ऊपर स्ट्रोक जो है वो नीचे ब्लैक है और ऊपर जो है वो इसका फिल वाइट है। तो अगर आप चाह रहे हैं तो इसको इन्वर्ट करना, तो आप यहाँ से आके सिंपल क्लिक करेंगे तो ब्लैक ऊपर आ जाएगा, वाइट नीचे आएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं इसको शॉर्टकट से करना तो इसका सिंपल शॉर्टकट है शिफ्ट और एक्स। ये देखें, अगर आप शिफ्ट एक्स प्रेस करेंगे तो ये वाला एरो का काम करेगा, शिफ्ट एक्स। अगर आप इसका कलर कर देंगे कोई और नीचे वाले कर देंगे कोई और इसका स्ट्रोक कर दें आप ताकि आपको प्रोमिनेंट हो जाए। समझे, ये आपने एक ऑब्जेक्ट डिज़ाइन कर लिया। अगर आप शिफ्ट और एक्स प्रेस करेंगे तो इसको इन्वर्ट कर देगा, पिंक नीचे चले गया स्ट्रोक पे और ब्लू जो है वो ऊपर बन गया। तो इसका ये एक और शॉर्टकट था। अगर आप अपने आर्ट बोर्ड की कॉपी लेना चाह रहे हैं कि इस डिज़ाइन पे, तो आपने समझे ये सब जो है डिज़ाइन कर लिया और आपका ये पूरा आर्ट बोर्ड भर चुका है। अगर आप एक और आर्ट बोर्ड पे काम करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल शिफ्ट और ओ प्रेस करें तो ये पूरा आर्ट बोर्ड सेलेक्ट कर लेगा। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, शिफ्ट और ओ तो ये पूरा आर्ट बोर्ड सेलेक्ट कर लेगा। अगर आप इसकी कॉपी लेंगे ऑल्ट दबा के तो पूरा वही आर्ट बोर्ड नीचे आ जाएगा। अब जब आप इस पर जाएंगे तो चेंज कर सकते हैं, कुछ और एल दबा के कुछ और डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये आपके पास दो आर्ट बोर्ड आ गए। अगर आपको कोई अपना डॉक्यूमेंट सेव करना है तो इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और एस। तो ये आपको पूछ लेगा आपको कहाँ पे डॉक्यूमेंट अपना सेव करना है। समझे, ये मुझे शॉर्टकट क्लास की मैं रीनेम कर देता हूँ और यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ डेस्कटॉप। तो ये डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। ये आपसे कुछ पूछेगा इलस्ट्रेटर 2020 किस आपको फॉर्मेट पे सेव करना है, तो आप इसको मत छेड़िए, डायरेक्ट ओके कर दें तो ये सेव हो जाएगा। अगर आप कोई चेंजेस करते हैं तो इसमें एक स्टार बना हुआ आ जाएगा ऊपर, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टार, तो इसका मतलब है कि ये सेव नहीं हुआ, आप इसको सेव करें। अगर आप जैसे इसको सेव करेंगे, अगर आपको बार बार आप कंट्रोल शिफ्ट एस दबाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी एक दफ़ा मेन फाइल सेव कर चुके हैं, अब आप सिर्फ कंट्रोल एस दबाएंगे तो उसी के ऊपर ये सेव हो जाएगी। कंट्रोल एस दबाएंगे तो ये स्टार भी चला जाएगा। ये कंट्रोल एस दबाया मैंने और ये स्टार चले गया, इसका मतलब ये फाइल सेव हो गई है। तो ये थी आज की सिंपल सी इलस्ट्रेटर की क्लास जिसमें हमने शॉर्टकट सीखे। ये क्लास उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस फील्ड में बिल्कुल नए हैं और इलस्ट्रेटर सीखना चाहते हैं। ये शॉर्टकट्स फोटोशॉप में भी काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ शॉर्टकट जो हैं वो सिर्फ इलस्ट्रेटर के लिए बने हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू।